सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड भाई इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में बिकॉज भाई इसमें को क्रिटिक्स लोग को दिखा दिया गया है एंड उन लोग के जो रिव्यूज हैं भाई पॉजिटिव निकल कर आए या फिर निगेटिव निकल कर आए हैं इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई थॉर लव एंड थंडर मूवी का जो रन टाइम है वो आप लोग को 2 घंटे का देखने को मिलता है एंड भाई मूवी रिलीज होने से पहले ऑडियंस के बीच में यही क्यूरियोसिटी थी कि भाई 2 घंटे इस मूवी के लिए थोड़ा कम टाइम नहीं हो जाएगा बिकॉज इतनी ज्यादा स्टोरी मेकर्स किस तरीके से 2 घंटे के अंदर दिखाएंगे। तो देखो भाई अभी रिसेंटली इसके जो क्रिटिक्स के रिव्यूज सामने निकल कर आए हैं उसमें भाई अच्छी बात ये रही कि भाई मैक्सिमम जो रिव्यूज थे वो इस मूवी को लेकर पॉजिटिव ही सामने निकल कर आए थे। हाँ कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी थे जिनको हम लोग भाई लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर बात करें सबसे पहले पॉजिटिव रिव्यूज की तो भाई इस मूवी में सबसे पहले जो तारीफ सामने निकल कर आई है वो है इस मूवी के डायरेक्टर तायका वतीती की। लोगों के अकॉर्डिंग भाई इस मूवी को जिस तरीके से डायरेक्ट करा गया है 2 घंटे में आप लोग को भाई काफी अच्छी स्टोरी मूवी प्रेजेंट कर जाती है। प्लस उसी के साथ ही आप लोग को इस मूवी में जो थॉर का कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसको प्ले कर रहे हैं अपने क्रिस हेम्सवर्थ एंड उसी के साथ ही आप लोग को इस मूवी के अंदर पहली बार माइटी थॉर का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा जिसको प्ले कर रहे हैं नैटली पोर्टमैन। एंड भाई इन दोनों कैरेक्टर की क्रिटिक्स लोगों ने काफी ज्यादा तारीफ करी है, मतलब कि जहां पे भी आप लोग को थॉर एंड माइटी थॉर के सीन्स देखने को मिलेंगे वो भाई काफी ज्यादा एपिक होने वाले हैं बिकॉज जितने भी अभी तक रिव्यूज मैंने पढ़े हैं उसमें भाई बताया जाता है कि आप लोग को जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है थॉर एंड माइटी थॉर की वो भाई काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करी गई है। पहले भाई ये डर था कि कहीं माइटी थॉर को बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज करके ना दिखा दिया जाए, यहाँ पे अपने थॉर का कैरेक्टर है जो ओवर शेडो हो जाए, लेकिन ऐसा अभी करके भाई जितने भी रिव्यू सामने निकल कर आए उनको देखने के बाद तो नहीं लग रहा है, मतलब कि भाई आप लोग को इस मूवी के अंदर थॉर एंड माइटी थॉर का इनफ रन टाइम देखने को मिलेगा एंड दोनों ही कैरेक्टर को भाई अच्छी तरीके से डेवलप भी करा गया है। उसी के साथ ही भाई माइटी थॉर एंड वेलकरी के बॉन्डिंग की भी क्रिटिक्स लोगों ने भर भर के तारीफ करी है, मतलब कि आप लोगों को जहाँ पे भी वेलकरी एंड माइटी थॉर के सीन्स देखने को मिलेंगे वो भी भाई तगड़े होने वाले हैं। एंड लास्ट में बात करें इस मूवी के विलन गॉड द गॉड बुचर के बारे में कि भाई क्रिटिक्स लोगों ने इस कैरेक्टर के ऊपर क्या बोला है, तो देखो भाई इस कैरेक्टर को लेकर थोड़े मिक्स रिव्यूज सामने निकल कर आए हैं। अब देखो भाई गॉड द गॉड बुचर का जो कैरेक्टर है वो आप लोग को कॉमिक्स में बहुत ज्यादा ब्रूटल देखने को मिलता है बट इस मूवी के अंदर बिकॉज ऑफ की मूवी को PG-13 बनाना था दैट्स व्हाई गॉड का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी के अंदर आप लोग को उतना ज्यादा ब्रूटल देखने को नहीं मिलने वाला है एंड यही रीजन था कि भाई कुछ क्रिटिक्स लोग की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव रेटिंग भी मिली थी। हालांकि भाई इस मूवी में जो गौर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपने क्रिश्चियन बेल उनकी लोगों ने भर भर के तारीफ करी है। क्रिटिक्स लोग के अकॉर्डिंग मेकर्स ने जो रोल भाई उनको दिया था उसको भाई उन्होंने अपनी तरफ से एकदम परफेक्टली करा है। अगर गौर को भाई मेकर्स को और भी ज्यादा ब्रूटल दिखाना होता तो भाई जरूर दिखाते एंड वहां पे भाई क्रिश्चियन बेल उस चीज को भी अच्छे से कर सकते थे। हालांकि भाई PG-13 की वजह से काफी सारे सीन्स भी बताए जा रहे हैं कि इसमें से कट करे गए हैं, जहां पे भाई गौर का एक तगड़ा सीन भी बताया जा रहा था कि इसमें से कट करा गया है एंड यही रीजन था जिसकी वजह से कुछ क्रिटिक्स लोग की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। हालांकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बहुत कम लोगों ने इसको नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं, लेकिन जिन्होंने भी इसको नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं वो ज्यादातर कॉमिक फैंस थे एंड उनके अकॉर्डिंग इस मूवी में जो गौर का कैरेक्टर था उसको और ज्यादा ब्रूटल तो दिखाना ही था, प्लस उसी के साथ ही थॉर की जो मूवी है और भी ज्यादा डार्क टोन पर बनाई जा सकती थी। मूवी में आप लोगों को काफी सारे कलर्स देखने को मिलते हैं एंड इसको एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी की तरह प्रेजेंट करा जा रहा है जो कि भाई कुछ क्रिटिक्स लोग के हिसाब से सही नहीं है बट जितने भी रिव्यूज मैंने पढ़े हैं उसमें भाई 90% लोगों ने इस मूवी की तारीफ ही करी थी एंड उनके अकॉर्डिंग इस मूवी में आप लोग को एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है। मूवी भाई आप लोग को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, प्लस उसी के साथ ही जितने भी आप लोग को इसमें कॉमेडी सीन्स देखने को मिलते हैं फिर भाई जो फाइटिंग वाले सीन्स देखने को मिलते हैं वो भी भाई अच्छी तरीके से करे गए हैं। दैट मीन्स कि भाई जो कॉमिक्स लवर्स हैं उनको भले ही मूवी थोड़ी सी लाइक बोरिंग लग सकती है बट जो भाई नॉर्मल ऑडियंस है उनको भाई मूवी एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। एंड अगर आप लोग भाई नॉर्मल ऑडियंस की कैटेगरी में आते हो, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉमिक्स नहीं पढ़ते हो, सिर्फ मार्वल की मूवीज को एंजॉय करने के लिए देखते हो, देन आप लोग को भाई मूवी कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सो अगर भाई ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो भाई मूवी को मैक्सिमम लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज ही दिए हैं, बस आप लोग भाई मूवी को थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन के साथ देखने जाना, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी एक्सपेक्टेशन मत लेकर जाना बिकॉज वरना कुछ ऑडियंस डिसअपॉइंट हो सकती है। ऑल्दो भाई मेरे अकॉर्डिंग मूवी को काफी अच्छे रिव्यूज मिले एंड मूवी आप लोग को एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट कर सकती है। बाकी भाई जब मूवी रिलीज हो जाएगी तो उसका रिव्यू करने की भी कोशिश करेंगे। अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।